दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के खाने पीने के वस्तुओं से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप कोई ठेला लगाते हैं, या फिर आपका रेस्टोरेंट है, या फिर आप एक होम बेकर हैं, घर में ही आप केक वगैरह बनाकर सेल करती हैं, इस तरह के फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं उन्हें करने के लिए आपको फूड लाइसेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। फूड लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का वेबसाइट चालू किया है, जिसमें आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने फूड लाइसेंस के लिए। इसमें आपका सिर्फ 100 रुपये का खर्चा आएगा अगर आप 1 साल के लिए लाइसेंस बनवाते हैं, और अगर आप चाहें तो 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए भी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे और अपना फूड लाइसेंस खुद ही घर बैठे ही बना लेंगे। आपको फूड लाइसेंस की एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले आ जाना है इस वेबसाइट पर, जो कि है foscos.fssai.gov.in। आपको इस वेबसाइट पर आना है। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसी वेबसाइट पर आए, किसी दूसरी वेबसाइट पर ना चले जाएं, क्योंकि यही गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है रेलवे स्टेशन पर अगर आप कोई फूड का स्टॉल या फिर कैंटीन लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर एक है एयरपोर्ट और सी पोर्ट। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको जनरल ही करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जनरल का ही रिक्वायरमेंट रहता है। तो आपको यहाँ पर जनरल पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे काइंड ऑफ बिजनेस का। यहाँ से आपको देखना है कि आपका बिजनेस किस ऑप्शन के लिए सूटेबल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके बिजनेस के लिए सूट करता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन है, इसके अंदर डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल एंड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, और भी यहाँ पर देखिए मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरर के बाद यहाँ पर देखिए ट्रेड रिटेल का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्टोरेज, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, फूड वेंडिंग एजेंसीज, और भी यहाँ पर बहुत सारे ई कॉमर्स, बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन है। आपको इन सब में से आपका बिजनेस जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर आता है फूड सर्विसेज का। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कैटरर, होटल, मिड डे मील, कैटरर, मिड डे मील, कैंटीन। यहाँ पर मैं जिस बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस एप्लीकेशन कर रहा हूँ वो रेस्टोरेंट के कैटेगरी में आता है, तो मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए, इसके बाद आपके बिजनेस का जो एनुअल इनकम है, यानी कि सालाना, हर साल आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख के अंदर है, या फिर 20 करोड़, या फिर उससे भी अगर ऊपर का है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। मेरा जो बिजनेस है वो अंडर 12 लाख है, तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। देन आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, देन यहाँ पर ये जो प्रोसीड का ऑप्शन आपको मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर देखिए, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। आपको इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, आपके सामने फिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स का एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स आपको मिलेगा। इसके नीचे ये जो नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपके बिजनेस का जो भी नाम है आपको वो अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। देन देखिए, यहाँ पर डेजिग्नेशन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्रिएटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर्स का ऑप्शन है। अगर आप बिजनेस खुद अकेले करते हैं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप कर सकते हैं। और भी यहाँ पर जो ऑप्शन है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रखूँगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर योर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, यानी कि आपका बिजनेस जहाँ पर आप कर रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ। देन नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। देन आपको यहाँ पर पैन होल्डर नेम डालना है, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए पैन डिटेल्स वेरीफाई हो गया है। अब आपको नीचे यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका बिजनेस का एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। देन ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऑप्शन में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर, यानी कि आपको अपना नंबर फिर से यहाँ पर डालना है। देन आपको देखिए यहाँ पर ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि आप कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आप 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए अपने लाइसेंस को बनवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे 1 ही रखूँगा, आप इसे बाद में रिन्यूअल भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे
देन देखिए यहाँ पर आपको अदर देन मैन्युफैक्चरर यूनिट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपका जो बिजनेस है उसका जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करने के लिए। तो मेरा जो बिजनेस है वो बेकरी प्रोडक्ट का है तो मैं यहाँ पर बेकरी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए ऊपर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर जो भी सेट होता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बेकरी कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेकरी सिलेक्ट किया है, अगर आपके बिजनेस में बेकरी के साथ और भी कोई यहाँ पर कैटेगरी फिट होता है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा बस बेकरी का ही काम है तो मैं यहाँ पर इसे स्किप कर दूंगा। अब देखिए आपको यहाँ पर फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके पास FSM नंबर है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें देखिए इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट यानी जिस डेट को आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई सिलेक्ट करना है, आपके बिजनेस में यूज़ होने वाला जो पानी है वो आपका अपना प्राइवेट है या फिर पब्लिक है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन देखिए आपके बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हो रहा है कि नहीं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर येस कर दीजिएगा, अगर नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको साइन अप डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन बिलोंग्स टू का जो ऑप्शन है आपको इस पे आना है, यहाँ पर आपको ये कंफर्म करना है कि आप ये अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर अपने डॉटर के लिए या फिर सन के लिए या फिर ब्रदर के लिए, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सेल्फ कर दूंगा। देन यहाँ पर देखिए आपको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अपने फैमिली के किसी का भी ईमेल आईडी पुट करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पुट करना है। देन यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू पे आपका उनके साथ जो भी रिलेशन है वो यहाँ पर आपको पुट करना है। देन देखिए यहाँ पर नीचे लॉगिन क्रेडेंशियल में ऑटोमेटिक आपका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया है। देन आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, आपको पासवर्ड किस तरह का रखना है उसका मैं एज ए एग्जाम्पल साइड में डिस्प्ले पर लगा दूंगा, आप देख के उस हिसाब से अपना पासवर्ड सेट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। अब आपको नीचे यहाँ पर ये जो कैप्चे है इसे फिल करना है, देन नीचे जो सबमिट का बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। देन देखिए यूज़र साइन अप सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है, यू हैव रजिस्टर्ड विद फॉस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन आपको यहाँ पर सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तो हम अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पर आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में जाकर अपना पैन कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, या फिर अगर म्यूनसिपैलिटी या फिर अगर आप पंचायत एरिया में रहते हैं तो पंचायत से भी अगर आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके सबमिट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना है कि मैंने यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो सब यहाँ पर जो भी डिक्लेयर किया गया है उन सब के अंतर्गत आता है। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको सीधे और भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर देखिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, रेजर पे के थ्रू, PayU Visa के थ्रू भी कर सकते हैं और ट्रेजरी चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप एक साल के लिए कर रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए एक प्रीव्यू एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट किया है वो सब आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैं यहाँ ऑनलाइन के थ्रू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए GST नंबर का भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका GST नंबर है तभी आप दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सिंपली आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक OTP जाएगा आपके नंबर पर, जिस नंबर को आपने यहाँ पर एंटर किया है। देन आपको यहाँ पर OTP एंटर करना है। देन प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिलेंगे, आपको इसमें से जो भी ठीक लगे आप चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू करूँगा, यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर का डिटेल्स वगैरह डालूँगा। देन सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए OTP डालना पड़ेगा। देन यहाँ सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब पेमेंट आप जैसे ही करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर देखिए आपने जो ट्रांजेक्शन किया है यानी कि जो आपने 100 रुपये का भी पेमेंट किया है उसका ट्रांजेक्शन नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपको अब क्या करना है, इसे या तो प्रिंट आउट कर लेना है या फिर आपको इसे डाउनलोड करके रख लेना है अच्छे से, ताकि ये खो ना जाए, ये आपको बाद में काम आ सकता है। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करके रख लूँगा। आपका एप्लीकेशन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास जा चुका है, इसे रिव्यू होने में 7 से 14 दिन का टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही ये रिव्यू हो जाएगा आपके मेल पर या फिर आपके फ़ोन नंबर पर एक मैसेज आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मेल में जाना है या फिर आप डायरेक्ट भी फॉस्कोस का जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, इसे पहले कॉपी कर लीजिएगा। इसे कॉपी करने के बाद आप यहाँ से फॉस्कोस के वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है या फिर अगर आपने कॉपी करके रखा है तो पेस्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा है इसे फिल कर देना है। देन यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में दिखेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड, यानी कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी इशू हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फॉर एनी फर्दर प्रोसेसिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लेना है। देन यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपने अपना जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। अकाउंट बनाने के समय अपना पासवर्ड जरूर याद रखिएगा या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नीचे यहाँ पर कैप्चे दे दीजिएगा। देन साइन इन। अब आपको यहाँ पर ये जो बिल्कुल लास्ट में इशूड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आना है। देन यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल है इस पर क्लिक करना है। देन गाइस ये जो नीचे सेंड मेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल के थ्रू आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब मैं फिर से अपने ईमेल आईडी पे आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरा मेल आया या नहीं। ये देखिए गाइस यहाँ पर मेरे पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से ईमेल आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लाइसेंस ऑलरेडी आ चुका है। सेम यही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए मेरा लाइसेंस डाउनलोड हो गया है, मैं इस पर क्लिक करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए गाइस ये मेरा जो लाइसेंस है वो बिल्कुल तैयार होके आ चुका है, आप देख सकते हैं विथ फोटो। तो दोस्तों ये था फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से लेकर फूड लाइसेंस इशू होने तक का पूरा प्रोसेस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।